कौन है आप? कौन है आप? हमारा नाम गुलकंद। हमारा नाम गुलकंद। हमारी भाभी का नाम है गुलकंद। आप? तुम तो हमको जानती नहीं होगी ना? ऐसा नहीं है भाभी, हम आपको जानते हैं। देव जी ने आपके बारे में हमें बताया। वो कह रहे थे कि आप भैया और बच्चे शादी में आने वाले हैं। बहुत सुना है आपके बारे में, पर आप ऐसे बैंड वालों के कपड़े में क्यों आई है? बताते हैं। सब बताते हैं। वैसे काका रामायण कथा सुनाया गया है हमारे बारे में। हम जानते कि वो हमारा नटरू ससुर जी और हमारी सास भक्तिन बिल्ली दोनों मिलके ऐसा तारीफ का पुल बांधा होगा जिसमें कुछ भी सही नहीं होगा, और हमको दुनिया का सबसे चंट औरत बना के परोस दिया होगा। देखो पायल, हम मुंबई से यहां आए जरूर, लेकिन किस हालात में आए हैं ये तुम जान जाओगी तो तुम्हारा जान आफत में आ जाएगा। हम यहां तुम्हारे शादी में शामिल होने नहीं आए, तुमको सावधान करने आए, तुम्हारा ससुराल वाला का सच्चाई बताने, सच्चाई बताने। सच्चाई? कैसी सच्चाई भाभी? क्या बोल रही है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही तो समझाने आए हैं हम तुमको। तुम जो ये शादी करने जा रही हो, इसमें झूठ फरेब और धोखा के अलावा कुछ नहीं। तुम्हारा जिंदगी नरक बनने वाला है। नरक बनने वाला है। तुम्हारा ससुराल वाला एक नंबर का लालची, ढोंगी और निहायती कमीना लोग हैं। जो सुंदर संस्कारी रूप वो लोग तुमको दिखा रहा है ना, वो असलियत नहीं, वो सब छलावा है, वो सब छलावा है। तुमको हम पे विश्वास नहीं हो रहा है ना पायल? हम जानते हैं, जब छल का पट्टी आंख पे पड़ा होता है ना, तो सच साफ साफ दिखाई नहीं देता। अच्छा तो ठीक, हम अपने दोनों बच्चे का कसम खा के कहते हैं कि हम जो बोले हैं हम सच बोले हैं, सच बोले हैं। और दुनिया में किसी भी मां के लिए का बच्चा से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता है। अपनी बातों को सच साबित करने के लिए कम से कम अपने बच्चों की झूठी कसम तो मत खाइए। अरे तुम्हारे जैसा आग पे पर्दा नहीं पड़ा हुआ है हमारे, हम जो बता रहे हैं ना वही सच है। इस शादी में तुम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। अरे हम इनका सच जानते हैं, इसलिए वो अयोध्या और नटरू हमको शादी से दूर रखने के लिए इतना बड़का परपंच किया है। कहे कि हम घर में आ जाते तो तुम्हारा परिवार वाला को सब सच सच बता देते, इसलिए सबसे पहले
हम ही को घर से बाहर कर दिया। अरे हमको तो यहाँ अंदर आने तक से रोकने का प्लान किया था ये लोग, इसलिए हम ये भेद बदल कर तुमसे मिलने आए ताकि तुमको सब सच सच बता सके। वो लोग अपने आप को संस्कारी और दहेज विरोधी बताए ना, हम बता देते हैं कि कैसे ही हमारे भैया से ट्रक भर के दहेज लिए थे, गाड़ी पैसा रुपया सामान सब कुछ हमारे भैया का दिया हुआ। भाभी, आप ये सब जो हमें बता रही हैं, ये हम जानते हैं और अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये दहेज अयोध्या भैया को चाहिए था, माँ बाबूजी को नहीं। अरे तुम्हारे भेदे में हमारा बात कहाँ नहीं घुस रहा है? ये सब वो नटरू ससुर जी का चाल है और दोनों के बीच में कोई तनाव नहीं हुआ, दोनों मिला हुआ। ससुर जी का परछाई उनका साथ छोड़ सकता है पर अयोध्या नहीं। जब दोनों मिलके हमको भरमाइए दिया तो तुम और तुम्हारा परिवार कौन से खेत का मूली है?